हर साल हमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं खुद को प्रूव करने के लिए कि यस आई एम एलिजिबल फॉर सीए। और इन अटेम्प्ट से पहले जो टाइम पीरियड होता है ना, एक्चुअली इस टाइम पीरियड में हम अपना रिजल्ट लिखते हैं खुद को प्रिपेयर करके, खुद की कैपेसिटी को पुश करके। और जब रिजल्ट हमारे अगेंस्ट आता है ना तो बुरा लगता है। रिसेंटली कुछ ऐसा ही जून 2023 के 75.02% एस्पिरेंट को लगा जब उन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिला। फाउंडेशन में लास्ट 24.98% का पासिंग रेशो था और पीछे जाऊँ ना दिसंबर में तो 29.25%। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ 4 साल का एवरेज पासिंग परसेंटेज फाउंडेशन का तो वो रहा है 26.86%। मतलब 4 लोगों में से एक एस्पिरेंट फाउंडेशन क्लियर करता है। और जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ते हैं पासिंग परसेंटेज कम होती रहती है। इंटर का एवरेज पासिंग परसेंटेज 14.25 ऑलमोस्ट रहा है, मतलब 10 में से 3 लोग इंटर क्लियर कर पाते हैं। और फाइनल में 1.5 से लेकर 10% का एवरेज परसेंट रहा है पासिंग का। और रिफ्लेक्ट करूँ तो 100 में से 4 या 5 लोग ही सीए बन पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निहाल इकराम, और आज की पॉडकास्ट में मैं बात करूँगा फाउंडेशन पर और खुद पर भी। मैं भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी, और ना ही मैं ये बोल रहा जो भी जो कुछ भी मैं बताऊँगा या बोलूँगा उसे आप फॉलो करें। मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजीज या मेथड होते हैं ये देखकर या सुनकर नहीं बनते, ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी और माइंडसेट पर। इन शॉर्ट सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम यूट्यूब पर भटकते रहते हैं। पढ़ना कैसे है बस इस बात की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। और अक्सर ये फाउंडेशन में ज़्यादा होता है, इंटर तक मतलब इतने मैच्योर हो जाते हैं फिर चीज़ें हम शायद खुद से करने लगते हैं। और अक्सर हम ये भी ढूंढते हैं कि किसकी क्लासेस बेस्ट हैं, किस टीचर का मुझे समझ आ रहा है, अरे यार कोई नोट्स दे दो वगैरह टाइप हम सब करते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। हम दूसरों पर इतना बिलीव करने लगते हैं कि खुद में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बचता। और ये सब बस मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने बोला कि फाउंडेशन तक ज़्यादातर रहती है बच्चों में, फिर मेरे में भी थी। फिर इंटर में आप सही हो जाते हो, मतलब मैच्योर हो जाते हो, चीज़ों को समझने लगते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब मत करो कि यूट्यूब पर भटकना। आई नो सी में गाइडेंस की ज़रूरत है, बिना गाइडेंस के कहीं पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन इन सब की एक लिमिट है। बस जितना रिक्वायर्ड है उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस करना ही बेस्ट ऑप्शन है। और ये बहुत मुश्किल काम होता है हर रोज़ के लिए, हमें हर रोज़ खुद को समझाना होता है स्टडी के लिए। और ये भी फैक्ट है कि हम हर दिन सेम क्वान्टिटी में स्टडी नहीं कर पाते। एग्जाम जितने करीब आते हैं टेंशन और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। इसका मतलब सिंपल है, प्रिपरेशन ठीक नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है जो पढ़ा है उस पर। लेकिन अगर एग्जाम्स के नज़दीक होने पर एक्साइटमेंट आने लगे तो मतलब यू आर रेडी फॉर बेटर। बट ये शायद किसी के साथ ही होता होगा। एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी और प्रायोरिटी से, कॉन्सेप्चुअली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो इस बात से। किसी भी टॉपिक को लेकर अगर मन में कोई डाउट है तो पहले उस टॉपिक पर 100% बिलीव करना, पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि यस अगर मुझसे ये नींद में भी पूछा जाए ना सो आई विल ग्रैब इट। और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कोर्स इतना ज़्यादा है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना वेस्ट सा लगता है। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो बाउंसर जाते हैं, उनको हम ज़्यादातर अवॉइड करना पसंद करते हैं ये कहकर कि ये टॉपर के लेवल का क्वेश्चन है और हम आगे बढ़ जाते हैं। पर एग्जाम्स में यही चीज़ें हमारे वीक पॉइंट बनते हैं। देखो मेरा इंटरेक्शन फाउंडेशन से ही हुआ है और मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि हमें कॉन्सेप्ट की डीप में जाना है। ये रियलिटी ऐसी है कोर्स की जो कोई नहीं जानता, वो एक सीए जानता है बिकॉज उसने बुक्स को सिर्फ पढ़ा नहीं, घोल कर पिया है। और घोल कर पीने वाली हैबिट सीए बनने के बाद तक चलती है। मुझे ये सारी बातें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही बोली, जितना भी मैंने अब तक बोला मुझे लगा शेयर करना ज़रूरी है बिकॉज मेरा गैप खत्म हो चुका है। नाउ आई एम बैक इन माई स्टडीज, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं 1.5 साल से बुक से दूर रहा हूँ और शायद पढ़ना भूल गया। इसीलिए मैंने खुद की काउंसलिंग करवाना सही समझा तो मैं पहुँच गया अपने एक ग्रुप के पास जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनके पास मैं कोई मोटिवेशन या बूस्ट लेने नहीं गया था, बस मैं चाहता था मेरे अंदर वही वाइब्स और वही फीलिंग्स जो मेरे ड्रीम के लिए पहले थी वो वापस आ जाए। बिकॉज मेरे पास में कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि किसी को क्विट करने की नौबत तक आ गई है। और कुछ सिचुएशन ऐसी थी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी जहाँ ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए ना, जिस पे प्रेशर या जिस चीज़ से मैं गुजर रहा था, बट ख़त्म हो गई सब चीज़ें। 2024 नवंबर मेरा पहला अटैम्प्ट होगा इंटर का। अब ये नहीं पता कि मैं बोध ग्रुप दूंगा या सिंगल, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वक्त के साथ
चीज़ें डिसाइड करूँगा तो ये फ्यूचर बताएगा। बट हाँ, कि इन फ्यूचर मेरे चैनल पर इंटरेस्ट रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे ज़्यादातर, बिकॉज मैं शेयर करूँगा इन पॉडकास्ट के थ्रू या एक प्रॉपर वीडियोज़ में।